अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा एग पुलाव लेके आई हूँ। इसको तैयार करूँगी मैं आपके सामने और इसकी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ मैं, जिसके लिए 1 किलो चावल लिए हैं मैंने कायनात के, और 2 घंटा पहले मैंने इनको अच्छे तरीके से वाश करके भिगो लिया है। उसके बाद मैंने 1 कौली मटर लिए हैं, उनको हमने उबाइल कर लिया है। 200 ग्राम मैंने बोनलेस कीमा यूज़ करना है इस तरह की कटिंग में। 3 अदद मैंने गाजर ली है, इनको मैंने प्याज की तरह चॉप कर लिया है। 2 बड़े वाले टमाटर लिए हैं मैंने, और उनको इस तरह लंबाई कटिंग में मैंने कटिंग कर ली है इनकी। 3 अदद अंडा यूज़ करना है मैंने। 3 से 4 सब्ज मिर्च साबुत यूज़ करेंगे हम। 2 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार किया है। 2 शिमला मिर्च मैंने ली हैं और इस तरह से इनकी बारीक कटिंग कर ली है। यहाँ पर इसके साथ खड़े मसाले ऐड करूँगी, उसमें मैंने 1 चम्मच साबुत जीरा यूज़ करना है। 2 तेज़पत्ते हैं मेरे पास, 2 बादियान के फूल हैं, 10 से 12 मेरे पास काली मिर्च है साबुत, और 10 से 12 मेरे पास लौंग हैं। 2 पत्ते दालचीनी के हैं मेरे पास, जायवित्री है मेरे पास, 3 से 4 टुकड़े हैं इसके। 1.5 चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर यूज़ करना है। 1 चम्मच भर के हमने नमक यूज़ करना है। 1.5 चम्मच ही काली मिर्च पाउडर यूज़ होगा। 1.5 चम्मच ही कूटी हुई लाल मिर्च, और 1.5 चम्मच ही इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम अपने चावलों को हाफ डन करते हैं। चलें जी, यहाँ पे देखें जी, हमने फ्लेम ऑन कर दिया है, और देखते के अंदर हमने 1 किलो चावल है मेरे पास, और 1.5 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पानी का उबाल आने का वेट करते हैं। तो चलें जी, जब तक हमारे चावल हाफ डन होते हैं, तब तक यहाँ पर हम अपने कीमे और वेजिटेबल को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो साबुत मसाले आपको दिए थे, खड़ा मसाला बोला था इसको, इनको मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है घी के अंदर। 1 कप मैंने घी यूज़ किया है, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही फ्राई करूँगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे मसाले जो हैं वो मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिए हैं। अब मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट तैयार किया है वो ऐड करूँगी, और इसकी भी 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे हम। तो चलें जी, ये देखें जी, अदरक के साथ ही 2-3 मिनट के बाद मैंने चिकन जो लिया है, बोनलेस किया हुआ कीमा है मेरे पास, इसको भी इसके साथ ही फ्राई करेंगे हम। चलें जी, चिकन हमारा अभी फ्राई हो रहा है, और 3-4 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद फ्राई करूँगी। इस दौरान मैंने 1.5 चम्मच नमक जो लिया है वो इसके अंदर ऐड करूँगी, ताकि हमारा चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो सके, और चिकन के अंदर नमक भी ऐड हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमारे खड़े मसाले की भुनाई भी हो जाएगी। इसके साथ ही टमाटर जो मैंने इस तरह लंबी कटिंग की थी, इनको ऐड कर दिया है। चलें जी, अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर अप करूंगी, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखें, हमारे टमाटर बहुत ही खूबसूरत से तैयार हो रहे हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे शिमला मिर्च बारीक कटिंग की है मैंने, इसको ऐड करेंगे, और इसकी भी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें, कितनी मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे इसके साथ गाजर जो मैंने चॉप की थी, उसको भी ऐड किया है, तो मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और 3 से 4 मिनट के लिए इनकी भी अच्छे तरीके से भुनाई करूंगी। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फॉलो कीजिएगा, ताकि कोई भी सीन आपसे मिस ना हो, और आपकी भी रेसिपी बिल्कुल मेरी तरह मज़ेदार सी तैयार हो। तो चलें जी, इनको भी मैं 2 मिनट के लिए कवर अप करूंगी, ताकि हमारी शिमला मिर्च भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो
माशाल्लाह ये देखें जी कितना ज़्यादा ऑयल अलग हो गया है और हमारी वेजिटेबल की भी और चिकन की भी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। कुछ धनिया पाउडर है मेरे पास, कुटी हुई लाल मिर्च है, ब्लैक पाउडर है मेरे पास काली मिर्च, और यहाँ पे जीरा पाउडर है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसके साथ ही मैंने जो मटर बॉयल किए हुए थे उसको मैंने लास्ट पे डाला है, इसलिए क्योंकि उसको मैंने पहले से ही रेडी कर लिया हुआ है, अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं। उनको अब ऐड करूँगी जी यहाँ पे 2 मिनट के लिए, इसकी भुनाई करने के लिए इसे कवर अप करूँगी। तो माशाल्लाह ये देखें जी हमारे मसाले अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। अब मैंने 1/2 कौली दही यूज़ करना है और इसको मिक्स करूँगी। चलें जी अब फिर इसे कवर अप करूँगी मीडियम फ्लेम पे ताकि हमारा दही भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो चलें जी यहाँ पे देखें जी अब हमने अपनी फाइनल लुक की तरफ जाना है और उसकी वजह से मैंने अपना बर्तन थोड़ा चेंज कर लिया है। हमने बड़ी कढ़ाई यूज़ कर ली है तो हमारा दही भी अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर 1 कप पानी यूज़ करना है। बिस्मिल्लाह भरकर चलें जी इसे मिक्स करेंगे और पानी के उबाल आने का वेट करेंगे हम। तो ये देखें जी पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है, छोटे छोटे बबल बनते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें जी और यहाँ पे जो मैंने चावल हाफ डन किए हैं उनको ऐड करूँगी इस तरह से और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर दूँगी। तो चलें जी चावलों को हमने दम के लिए बिल्कुल फ्लेम नीचे से लो कर दिया है। अंडे जो मैंने लिए थे 3 इनको इस तरह से लगाऊंगी, ना इनको फेंटना है और ना ही कुछ और करना है, यूं करके इस तरह से इस तरह से। और यहाँ पे मैंने जो साबुत सब्ज मिर्च ली थी वो ऐड करेंगे हम। तो माशाल्लाह देखें जी कितने प्यारे चावल हमारे तैयार हो गए हैं। 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें जी इस तरह से कोने के साथ हम कवर अप करेंगे ताकि हमारे ढक्कन के अंदर से किसी भी साइड से हीट जो है वो बाहर ना निकलने पाए। 12 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे हम, उसके बाद डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी 2 मिनट दम लगा है, उसके बाद इसको कवर को खोलेंगे हम। 4 चम्मच मैंने दही लिया है और उसके अंदर जर्दा कलर यूज़ किया है और उसको इस तरह से मैं चावलों के ऊपर फैलाऊंगी यूं करके। तो चलें जी टाइम हमारा पूरा हो चुका है, 12 मिनट पूरे हो गए हैं, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। और माशाल्लाह ये देखें जी हमारी एग पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार से हमारे एग पुलाव तैयार हो चुका है जिसको मैंने डिश आउट कर दिया है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।